देवगी ना वापस से क्या बजे देवगे कुछ महीनों में के डेंगू के केसेस काफ़ी आए हैं, इससे मैं डिनाई नहीं करूँगी। लेकिन जहाँ तक आप तैयारियों की बात है, मैं अपने ही संस्थान का आपको बता सकती हूँ, बाकी संस्थान में क्या है ये तो वहीं के लोग बता पाएंगे। हमारे संस्थान की तैयारियों में कोई कमी नहीं है। बेड्स की व्यवस्था की जहाँ तक बात है, बेड्स हमारे वार्ड में तो अभी कोई कमी नहीं है बेड्स की। लेकिन हाँ, ज़रूर इमरजेंसी में कभी कभी ऐसा होता है जब पेशेंट ज़्यादा एक साथ अगर आ जाते हैं, तो जब तक हम उन्हें शिफ्ट करते हैं तो इमरजेंसी में थोड़ा रश ज़रूर हो जाता है। फिर हम एक एक करके जिनके जो टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह आती रहती हैं करके उनको ऊपर वार्ड में शिफ्ट करते रहते हैं, तब फिर ऊपर की हमारी व्यवस्था ठीक रहती है। मैम, कितने केस अभी तक सामने आ चुके हैं? अगर मैं आपको रफली बताऊं, मैं एग्जैक्ट डेटा तो ऐसा मुझे अभी इस टाइम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ करीब पिछले 3-4 महीने का जब से थोड़ा बहुत केसेज आने शुरू हुए थे, जुलाई ऑनवर्ड शुरू हुए थे, तो अभी अक्टूबर में काफ़ी केसेज आए हैं, सेप्टेम्बर से बढ़ने शुरू हो गए थे और अक्टूबर में तो काफ़ी आए हैं। तो 225 के बीच में कहीं पेशेंट हमारे एडमिट रहे होंगे जो ठीक ठाक होके डिस्चार्ज होके गए।
मतलब ऑलमोस्ट 70 to 80 पेशेंट्स रोज आ रहे हैं। हाँ। और डेंगू मैम उसमें डेंगू की तो पुष्टि ऊपर से वार्ड से होती है, तो अभी डेली डोंट नो तो लेबोरेटरी से डेटा मिलेगा, पर इस समय पे अक्यूट फेब्राइल इलनेस आ रही है जिसमें कई पेशेंट्स की प्लेटलेट्स कम होती है, मोस्टली वेक्टरबॉर्न डिजीजेस हैं ये, तो मात्रा तो काफी बढ़ी हुई है। आप लोगों ने एक्स्ट्रा रेजिडेंस किए हैं? बिल्कुल, हर हॉस्पिटल नहीं कर रहे हैं, ये एक हमारे सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर पेशेंट्स इतनी मात्रा में आ रहे हैं तो हर पेशेंट अटेंड होना चाहिए। हमारे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में ही हमने ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ है कि हर पेशेंट ऑब्जर्वेशन के लिए रहता है, यहाँ पर उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके टेस्ट कराए जाते हैं, अगर टेस्ट में हमें लगता है कि प्लेटलेट कम है या पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं है तो उसका एडमिशन एडवाइस किया जाता है। ऑल पेशेंट्स आर बीइंग अटेंडेड। कितने एक्स्ट्रा बेड लगाए हैं आपने तो अपने हॉस्पिटल हर बेसिस पे अरेंजमेंट्स करते हैं, वी मेड होल्डिंग एरियाज ऑल्सो ऑब्जर्वेशन एरियाज ऑल्सो, सो वी हैव एम्पल बेड्स टू मैनेज। मैम क्या लग रहा है कि क्या वजह है कि अचानक से अक्टूबर हर साल इस महीने में आते हैं लेकिन इस साल को ज्यादा ही पेशेंट्स आ रहे हैं? इट्स अ वेक्टरबॉर्न डिजीज, तो ये तो हर साल आते ही हैं। जैसे पहले फूड एंड वाटरबॉर्न डिजीजेस आए थे इन अगस्त एंड सितंबर, फूड एंड वाटरबॉर्न डिजीजेस आए थे, अभी वेक्टरबॉर्न डिजीजेस हैं, तो पैथोजेनेसिस एलर्जी तो वी ऑल नो कि क्या है।